यदि दुख, दरिद्रता और गरीबी, यदि कमियां आपका पीछा छोड़ती ही नहीं है। चाहते हैं आप अमीर बन जाएं, धनवान बन जाएं, परंतु कहां से बन जाएं धनवान? क्या रातों रात छप्पर फाड़कर धन बरसते देखा है आपने? क्या रात्रि में आप सोते हैं और सुबह प्रातःकाल उठे और आपको एक बैग भर के धन मिल जाए? क्या ये हो सकता है? मैं कहती हूँ नहीं हो सकता है। चमत्कार नहीं होता है, आप उपाय करेंगे तब चमत्कार होगा, परंतु आपको मेहनत करना होगा। आज जो प्रयोग लेकर आई हूँ, रातों रात आपको करोड़पति ना बना दे तो कहना, लेकिन रुपये की बारिश नहीं होगी। जो भी मनुष्य परिश्रम करता है उसे उसका फल मिलता है। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो उपाय बताते हैं उस फल की राशि को 10 गुना कर देते हैं। अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं, किसी जगह पहुंचने के लिए अगर आपको 2 दिन लगता है, जानकारी सही हो तो 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ ये वही जानकारी है जो आपको धनवान बनने के रास्ते को 2 दिन के बजाय 2 घंटे में आप तय कर लेंगे। यदि कर्ज की राशि से दबे हैं आप और आपका परिवार, बरसों से ये कर्ज आप नहीं चुका पाए हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कभी चुका भी नहीं पाऊंगा। यदि आपने अपने जीवन में कभी चमत्कार देखा ही नहीं है, खूब मेहनत किया आपने और थोड़ा सा धन कमाया, जो भी धन कमाया बस वो रोजी रोटी में चली जाती है, जो भी बचता है इलाज में चला जाता है, बैंक बैलेंस जस का तस है, तो कहां से बनेंगे करोड़पति और कहां से बैंक बैलेंस बढ़ेगा? आज का बताया दिव्य प्रयोग आपको रातों रात धनवान बना देगा। मैं कहती हूँ केवल नहाने के पानी में एक चीज डालकर नहाना है, कोई खर्च नहीं। वैसे भी मैं अपने उपाय में 1 रुपए का खर्च नहीं करवाती हूँ, क्योंकि एक तो पैसे नहीं है आपके पास, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। यदि आप करोड़पति हैं, प्रतिदिन लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं, तब आप मेरे वीडियो पर नहीं आए हैं। आप भी परेशान हैं गरीबी से, आप भी परेशान हैं कमियों से। धन आता है और पानी की तरह निकल जाता है आपके जीवन से। कितना भी परिश्रम आप करते हैं उतना पैसा नहीं जोड़ पाते कि आपका बैंक बैलेंस रातों रात 2 गुना 4 गुना हो जाए। और यदि आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो आज कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ आपके परिश्रम का 10 गुना अधिक फल मिलेगा आपको। एक बात सत्य है, धन सब कुछ नहीं होता, परंतु धन बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। यदि आपके पास धन अधिक है तो आप बहुत सारी अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अचानक से इलाज में पैसे पानी की तरह निकल जाते हैं, आपने 10 वर्षों में जो जोड़ा है ना वो 10 दिन में खत्म हो जाता है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, चाहे आपने कितने वर्षों से संघर्ष किया हो और इतना सा जोड़ पाए हो, चलिए एक प्रयोग आपके बैंक बैलेंस को भी 10 गुना कर देगा और आपकी इनकम को भी 10 गुना कर देगा। कोई ना कोई ग्रह इनबैलेंस जरूर होते हैं, तभी हमारे पास रुपया एक तो नहीं आता है, आता है तो टिकता नहीं है, और यदि नहीं भी आ रहा है तो जो धन आपने पहले से कमा कर रखा है उस धन को भी पानी की तरह खर्च हो जाता है। ये है ग्रह जब इनबैलेंस होते हैं। तो चलिए आज एक प्रयोग करते हैं और बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस कर लेते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना जिह्वा पर, कोई कमी नहीं रह जाएगी, सौभाग्य जाग जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त होते हैं। अभी कोई खर्च नहीं करना है, किसी को दान नहीं देना है, किसी को कोई पैसे नहीं देने, मेरे तरफ से कोई नंबर जारी नहीं किया जा रहा है, मुझे भी नहीं देने और किसी को भी नहीं देने। हाँ, जब करोड़पति बन जाओ तो मेरा बताया कुछ काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवा देना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में यदि स्कूल नहीं जा रहा हो तो उसकी फीस जरूर भरना, जितनी भी भर सको। और तीसरी सबसे जरूरी बात, किसी भी मंदिर को देखो, चाहे मंदिर आपके क्षेत्र में आता हो, कहीं दूर आता हो, कहीं आपने देखा हो, जर्जर अवस्था में यदि किसी मंदिर को देख रहे हो
दीवारें खराब हो गई हैं, गेट में पेंट नहीं किया हुआ है, झंडे खराब हो गए हैं, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, दिया जलाने को घी नहीं है, कुछ भी आप कर सको जरूर मंदिर में कंट्रीब्यूट करना। वहां से ऐसी प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, भाग्य बदल जाएगा रातों रात। चलिए उपाय पर ध्यान देते हैं, जो प्रयोग बताने जा रही हूँ। रातों रात चमत्कार होगा जीवन में, चाहे कितना भी कर्ज में डूबा हो आपका परिवार, मुक्त हो जाएंगे, आमदनी 10 गुना हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, जो भी आपने अर्जन किया, जो भी कमाया है, वो कभी भी आकस्मिक रूप से पानी की तरह धन घर से नहीं निकलेगा। दो उपाय साथ साथ बता रही हूँ, साथ में ही करना है। एक तो 43 डेज आपको लगातार, महिला भी पुरुष भी, महिला यदि पीरियड्स हो जाती है कोई बात नहीं, ये उपाय कंटिन्यू रहेगा। आपको नीम की लकड़ी लेकर आनी, यानी नीम के पेड़ के नीचे भी बहुत सारी लकड़ियां गिरी होती हो, ना गिरी हो तो पतली पतली नीम की लकड़ियां आप लेकर आ जाएंगे, 43 टुकड़े करके आप एक दिन ही रख लेंगे, 43 डेज पुरुष भी महिला भी। किसी भी चाकू से उस नीम की लकड़ी को आपने जितना बड़ा भी लिया है छील लेंगे, सब तरफ से बहुत सारे टुकड़े में बांट देंगे, और इस समस्त टुकड़ों को आप नहाने के लिए जो बाल्टी आप पानी भरते हैं उस पानी में डाल देंगे, और कम से कम 3-4 मिनट जरूर छोड़ देंगे। आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार से ये प्रारंभ करके 43 दिनों तक लगातार इसी जल से स्नान करना है, नीम की लकड़ी डालकर आपको 43 दिनों तक स्नान करना है, पुरुष भी महिला भी, जो भी धन कमाने की इच्छुक है वो ये प्रयोग करें। प्रथम प्रयोग कंटिन्यू रहेगा 43 डेज, और इसी बीच में केवल एक दिन जो शनिवार पड़ता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार, जितनी आपकी आयु है उतनी पीस लौंग लेनी है। आपकी उम्र 50 साल है तो 50 लौंग लेनी है, 24 साल है तो 24 लौंग लेनी है, आप अच्छे से समझ गए। और यदि आपकी आयु 23 साल 3 महीने है तो भी आपको 24 लौंग लेनी है, यानी अपनी आयु के ऊपर जो मंथ होते हैं उसके नाम पर भी एक कम ना हो। जो लौंग आपने लिया है इसे काले धागे में बांध बांध कर एक माला बना दे, जितने भी लौंग है, कम लौंग है या ज्यादा लौंग है, आप एक छोटी सी माला तैयार करेंगे और शनिवार को शनिदेव जी के महाराज के मंदिर में आप जाएंगे और ये माला उनके हाथ पे रख देंगे। शनिदेव जो खड़े रहते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना आपको, उनके हाथ पर ये माला लगा देनी है, हाथ जोड़ना है, नमन करना है, अपने दुख, अपने दरिद्रता, अपनी गरीबी, अपनी समस्या जैसे पिता को बताते हो ना, वैसे शनिदेव को जरूर बताएं, माथा टेके और घर चले आए। शनिवार को ये प्रयोग केवल एक बार करना है इसी 43 दिनों के भीतर, और ये 43 दिन आप वो जल से स्नान करेंगे जो मैंने अभी बताया। केवल इतना करो ना, दुख दरिद्रता गरीबी से मुक्त हो जाओगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी, धन बरसेगा, पानी की तरह संभाल नहीं पाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।